अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो लाइव इन नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले हों या नैब के रेफरेंसेस हों, मुल्क के माशी हालात हों या अपोजिशन के आपस में राबतों की बात हो, बात तो करनी पड़ेगी। और इस हवाले से बड़ी बातें भी हो रही हैं। मुल्क में इस पी टी आई की हुकूमत है, 8 माह का अरसा गुजर चुका है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या थी और लोगों की एक्सपेक्टेशन में किस हद तक पूरे उतरे, कहाँ कहाँ मसाइल हैं, कहाँ कहाँ मुश्किलात हैं, आगे कितने पर उम्मीद हैं, क्या होने जा रहा है, क्या क्या हो सकता है, ये तमाम बातें हैं जो आज के इस प्रोग्राम में हमें डिस्कस करनी है। जो शख्सियत मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, वो इन तमाम बातों का बड़े अच्छे तरीके से, बड़े वाज तरीके से जवाब दे सकती है। वो है डॉक्टर बाबर अवान साहब, फॉर्मर एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन पार्लियामानी अफेयर्स, उसके अलावा फॉर्मर लॉ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बाबर अवान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम नादिया। सर, पहले तो बहुत शुक्रिया कि बड़े अरसे बाद आपने हमें टाइम दिया और दोबारा से आप स्क्रीन पर नजर आए। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। मैं स्क्रीन पे पहले भी कोई बहुत ज्यादा सिवाय अपने इख्तलाफी नोट के कोई ज्यादा मैं नहीं जाता। सर, वो हमें थोड़ा बहुत शर्म इसी बहाने हासिल हो जाता था ना। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं म्यूचुअल जी सर। अच्छा सर, आज जो सारा दिन का जो इम्पोर्टेंट तरीन जो मौजू रहा जिस पे लोग डिस्कस भी करते रहे, वो रहा एफिड्रिन केस में हनीफ अब्बासी और हनीफ अब्बासी की आज की बेल, उनकी रिहाई का फौरी तौर पे हुक्म, और जबकि किस तरह से वो जेल में गए थे और क्या उनके ऊपर साबित हुआ था, एफिड्रिन का केस था, ये सारे मामला थे जो जाहिर सी बातें आपसे बखूबी कहीं वाकिफ होंगे। बट सर, अब कहा जा रहा है कि सियासी केस था और सियासी केसेस का अंजाम तो ऐसा ही होता है। सर, आप इसको सियासी केस देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू नादिया। सबसे पहले तो मैं आपका एक गुजरा हुआ शो है उस पर मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाहता हूँ। जी सर। कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको कहा जा रहा है ये डाकुओं, चोरों, प्लंडरर और स्काउंडलर्स उनकी एक जन्नत बन गई है। यहां से एक आदमी प्राइम मिनिस्टर के जहाज पे सवार होता है और भाग के चला जाता है बहसियत मिनिस्टर, और जाके उसको असाइलम भी नहीं मिलता, वो छुपा हुआ है लंदन में। वो जाके एक महंगे तरीन हॉस्पिटल का बेड किराए पे लेता है, उस पर एक अपनी सेल्फी बनाता है या फोटो बनवाता है और उसको अपलोड करने के बाद वो कहता है मैं बीमार हो गया। अगले दिन वो लंदन की सड़कों पे दौड़ता हुआ, लोग उसको पीछे से कैमरे के ऊपर जाके पकड़ लेते हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़े सूबे की, जिसने आज बेल दी है, जिसको डिस्कस किया जा रहा है, उसी सूबे की अदालत के जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी साहब की जजमेंट है गालिबन के कोई मफरूर जो पाकिस्तान में प्रोक्लेम डिफेंडर हो उसको टीवी के ऊपर कवरेज नहीं दी जा सकती। पैमरा कहां सो रहा है मुझे मालूम नहीं, पीटीए कहां सो रहा है मुझे मालूम नहीं, आपका एडिटोरियल बोर्ड कहां सो रहा है मुझे मालूम नहीं। एक स्काउंडलर जिसके खिलाफ पाकिस्तान की अदालतों ने नहीं, और अदालतें क्या हैं, मैं दो बातें और छोटी छोटी करूंगा जी। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको कहा कि पेश हो जाओ, वो कहता मैं बीमार हूं, मैं नहीं आ सकता, रोज टीवी पर बैठा होता है। ये लेने वालों को उसके और उसको खुद, वो इतना हया बाख्ता आदमी है, शर्म से इतना आरी आदमी है कि उसको शर्म नहीं आती कि वहां बैठ के वो लोगों को भाषण देता है कि इमरान खान झूठ बोलता है और ये हुकूमत ठीक नहीं चल रही और मुझे ठेके पे दे दो सा। हिम्मत करो, वापस आओ, पाकिस्तान की अदालतों का सामना करो। तुम और तुम्हारे सारे जो भागे हुए, वो सिर्फ वो नहीं भागा हुआ, दो उसके बेटे वो भी अदालतों को मतलूब है, वो नहीं आते। दो उसके समधी के बेटे वो भी अदालतों को मतलूब है, वो भी नहीं आते। दो उसके आगे भाई के एक बेटा और एक दामाद, वो भी अदालतों में मतलूब है, वो वापस नहीं आते। और मैं हैरान हूं उसको टीवी पे लेने वालों का और इसकी इजाजत देने वालों का कि एक शख्स उसी शहर में उसी मुल्क में गलता है, उसके ऊपर पाबंदी है, उसकी तस्वीर नहीं आ सकती, उसका इंटरव्यू नहीं आ सकता, उसकी फुटेज नहीं चल सकती, उसकी आवाज नहीं आ सकती, हत्ता कि उसका नाम भी नहीं आ सकता। अब आ जाइए दो सवाल आपके सवाल के हिस्से में, दोनों को सर थोड़ी सी गुजारिश, सर थोड़ी सी गुजारिश, सर थोड़ी सी। एक तो आप ये कह रहे हैं कि पता नहीं किसने इजाजत दी, तो सर आपको भी याद होगा कि हम तो मुशर्रफ साहब वो भी डिक्लेयर एब्सकॉन्डर हैं। बात करता हूँ मैं इसहाक डार की, मैं आई डोंट मीन्स द वर्ड्स, मैंने इसहाक डार की मैं बात कर रहा हूँ। मुझे पता है सर आप इसहाक डार साहब की ही बात करें, लेकिन अब उन पर पाबंदी लग चुकी है, कार्रवाई हुई है, जिसके खिलाफ 512 की कार्रवाई हुई है। वो पाबंदी लगने से पहले जो इंटरव्यू है मैं उस पर ऊपर कमेंट करना मेरा राइट था। आपकी बात ठीक है, मैंने उनसे ये किया गया और वो इंटरव्यू सोलो था,
इसलिए उस पे मेरा राइट था, वो मैंने लिया। सर, आगे बढ़ता हूँ। अग्री अग्री, मैंने उनसे ये सवाल किया था। सवाल के दो हिस्से हैं सर, मैंने उनसे ये सवाल किया था कि आप एब्सकॉन्डर हैं। अच्छा चलिए छोड़िए, मैं उस पे इतना ही कहना चाहता हूँ। ओके चले ठीक है, चले ठीक है। उनको अगर हिम्मत है, अगर उनको हया है, उनको अगर शर्म है, तो वो वापस आए। आपने सवाल किया था, मैं दो इजाफे कर देता हूँ। एक तो ये है कि इससे पहले एक मौलवी साहब थे सवात के, उन्होंने कहा मैं न सुप्रीम कोर्ट को मानता हूँ न मैं पार्लियामेंट को मानता हूँ, और वहां इनकी पार्टी बैठी हुई थी जब नीम शाह को पार्लियामेंट ने वहां एक्शन का फैसला किया था। ये शख्स हुआ है जो ना सुप्रीम कोर्ट को मानता है, ना प्लेनरी ज्यूरिसडिक्शन की एहतसाब अदालत को मानता है, ना पाकिस्तान के अंदर प्रोक्लेमेशन जारी हुआ उसको मानता है, ना इंसाफ के ऊपर इसका यकीन है, ये भागा हुआ है। दूसरा ये है, यही नहीं है, आज 403 दिन तकरीबन उसको हो गए हैं, वो पंजाब के सूबे से एक सीट उसने खाली रखी हुई, हाईजैक की हुई है। उस पर इलेक्शन कमीशन को कोई फैसला करना चाहिए, क्योंकि ये कोई 20 साल पहले फैसला हुआ था जावेद आशमी के एक मुकदमे में, जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह कह रखा है कि कोई ऐसा शख्स जिसकी सीट खाली हो जाए वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए खाली नहीं रखी जा सकती। मुझे मालूम नहीं उसको पार्लियामेंट छुट्टी दे रही है या नहीं, लेकिन यह भी एक सवाल है जो तय करने वाला है इलेक्शन कमीशन के लिए भी और पार्लियामेंट के लिए भी, कि जो शख्स हल्फ लेने के लिए ना आए उसकी सीट कैसे खाली रखी जा सकती है। और ये हाउस ऑफ फेडरेशन है, यहां चारों सूबों को मुनासिब नहीं, मुतनासिब नहीं, बराबर नुमाइंदगी मिलती है। एक सूबा ऐसा है जिसकी एक सीट की हैसियत से उसकी एक टांग टूटी हुई है, इसलिए इस पर भी गौर करने की जरूरत है। आपने सवाल किया कि ये सियासी मुकदमात हैं। पहली बात ये है कि जिस इदारे ने ये मुकदमा बनाया था वो सियासी नहीं है, एंटायर नारकोटिक फोर्स, उसमें बाकायदा रेंजर्स और बाकायदा सर्विस के लोग वो भी सर्व करते हैं, और उसमें बाकायदा जानलेवा मेहनत करने वाले लोग हैं, इसलिए इससे आगे मैं नहीं जाता। क्या हुआ वहां पे, अदालत ने क्या किया, मैंने फैसला नहीं पढ़ा, आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन इट। लेकिन मैं एक सवाल उठाता हूं आपके इस सवाल से, दूसरे आपके सवाल के हिस्से पे जाने से पहले, कौम की तवज्जो के लिए और नादिया मिर्जा की तवज्जो के लिए भी। जी सर। और वो सवाल ये है कि मुझे बताइए कि इस वक्त वो पाकिस्तान में कौन सी पार्टी और कौन सा खानदान है जिसके आधा दर्जन से ज्यादा लोग मुल्क से बाहर भागे हुए हैं और उनके खिलाफ अदालतें उनको बुला रही हैं और वो नहीं आते। वो सिर्फ एक पार्टी है, क्या उसका ताल्लुक किसी और सूबे के साथ है? नहीं। क्या उस किसी और शहर से है? नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ आले शरीफ है और समधियों का एक टोला है जो बाहर भाग के बैठे हैं। सियासी मुकदमा कौन सा है? दूसरी बात, सियासी मुखालफत के दौरान अगर कोई आपके खिलाफ कोई शुरू करती है मुकदमा, या जारी करती है, या उसको दाखिल करती है कोई दूसरी आपकी एडवर्सरी जमात और आपकी मुखालिफ जमात, तो फिर तो कहा जा सकता है। ये सारे मुकदमे वो हैं जिनकी तफ्तीश किसके दौर में हुई, 5 साल की हुकूमत थी नवाज शरीफ। इसलिए अगर जिसको तकलीफ है एफिड्रेन की, वो किससे गिला करेगा? नवाज शरीफ से। अब आ जाइए, जो समदी भागा हुआ है उसके खिलाफ कब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई? नवाज शरीफ के दौर में। गिला समदी किससे करेगा? लेकिन केस तो पीपल्स पार्टी के दौर में नहीं बना था जब आप लॉ मिनिस्टर भी थे, आई गेस। नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। उस वक्त 2012 में केस बना था, केस था। नहीं नहीं, ये 2012 में केस नहीं बना, ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी। और पहले आपको याद है कि प्राइम मिनिस्टर के एक उम्मीदवार थे मखदूम साहब, उनके खिलाफ एक वारंट शाहबुद्दीन जी, मखदूम शाहबुद्दीन, ये तो बहुत बाद में। जी जी, ये बहुत बाद की बात है, ये वो उस वक्त और लोग थे जो इसमें इन्वॉल्व थे, बहुत बाद की बात है जो मैं कर रहा हूं। दूसरा इसका एक और पहलू है जो वो भी मैं आपके सामने और कौम के सामने रखना चाहता हूं। वो पहलू ये है कि ये सदा नवाज शरीफ की 100 क्लिप्स हैं, एक आध चला दीजिएगा आज के प्रोग्राम में। वो ये कहते हैं जब भी उनके मुखालिफ हों, कहते हैं कि पहले अपने ओहदे से इस्तीफा दो, मैंने तो दे दिया। बिल्कुल कहा था उन्होंने, उन्होंने यूसुफ रजा को भी यही कहा हुआ है, उन्होंने आसिफ जरदारी को यही कहा हुआ है, उन्होंने सारे मुखालिफों को यही कहा हुआ है, और कहा कि ओहदे पे इस्तीफा देने के बाद जाओ अदालत का सामना करो, मैंने तो कर दिया, मैंने तो इमरान कहता था उसको मैंने सच्चा साबित किया। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर तुम क्लियर हो तो तब फिर अपने ओहदे पे वापस आओ। तो क्या ये शर्म और हया बाकी कौम के लिए, सिर्फ ये आले शरीफ के लिए और शरीफ खानदान के लिए और समदियों के लिए नहीं बनी? शर्म कोई नहीं है कि वो सेनेटरी लेके मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, दूसरा उसका जो समदी का छोटा भाई है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैन ही लेके मुल्क से बाहर चला गया है, उसका एक बेटा भागा हुआ है, एक उसका दामाद भागा हुआ है, दो उसके भतीजे मुल्क से भागे हुए हैं। इसलिए ये सियासी मुकदमात जितने भी शुरू हुए, ये सारे का गिला इमरान खान से नहीं, नवाज शरीफ साहब से बनता है, इन सब का नवाज शरीफ साहब से करें। ठीक है,
सर, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला क्योंकि आज भी वहीं से आया, तो बाजाहिर ये लग रहा है कि बहरहाल उनको अदालतों से अब रिलीफ मिल रहा है, क्योंकि हमेशा बात ये हुई कि जो भी अगर आपके ऊपर केसेस हैं तो आपको अदालतों से ही कराने हैं, अपने आप को क्लियर कराना है, या क्लीन चिट उनको अदालतों से ही मिल रही है। जस्टिस अजमत सईद साहब ने एक स्टेटमेंट दिया जब सुप्रीम कोर्ट में सरकारी एराजी की लीज से मुतालिक एक केस की समाअत हो रही थी, उस पर उन्होंने जो वकला जो मौजूद थे कमरे अदालत में, वो जब जोर से बोल रहे थे, यानी ऊंची आवाज में बोल रहे थे, तो उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए जस्टिस साहब ने कहा कि ये लाहौर हाईकोर्ट नहीं है जहां शोर मचाकर फैसला ले लो। सर, इससे क्या मुराद थी और आप इसको किस तरह से देखते हैं? मैंने ये अखबार में पढ़ा था, उस दिन मैं मौजूद नहीं था अदालत में, उससे एक दिन पहले और एक दिन बाद मैं उस अदालत में मौजूद था अपने मुकदमे क्लाइंट्स के करने के लिए। जो उन्होंने कहा उस पर क्या तबसरा किया जा सकता है, ये तो जज साहब के ख्याल हैं, ऑपरेटर डिक्टा उसको कहते हैं, रिमार्क्स हैं ये जो उन्होंने दिए। लेकिन मैं इसका एक और पहलू है जो कौम के सामने नहीं है, वो मैं आपके इस टॉक शो के हवाले से सामने रख देता हूं। वो पहलू ये है कि पिछले 70 साल गुजर गए, अभी आपने कहा था कि पीटीआई को आए हुए और इमरान खान को आए हुए 8 महीने हो गए, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। तो क्या ये 70 साल की जितनी खराबियां थी, बीमारियां थी, एक पार्टी को 29 ईयर्स का इकतदार मिला सूबे मरकज समेत, दूसरी को 36 साल मिले, तो क्या ये शुरू होती है सारी की सारी 8 महीने पहले? आंसर इज नो। क्या ये सारी की सारी मौजूदा हुकूमत के दौर की पैदा करता है? आंसर इज नो। इससे थोड़ा सा पीछे जाइए, निजामे इंसाफ में आज जिन खराबियों के ऊपर नवाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं, ये एहतसाब का कानून बनाया किसने था? मैं बीबी का वकील था, ये तो बनाया ही नवाज शरीफ साहब ने था। जी बिल्कुल, सैफुर रहमान। और इस कानून में तो एक जस्टिस बहुत अच्छा नाम लिया आपने, ठीक, मैं उस पर भी कॉमेंट करने लगा हूं, जस्टिस जावेद इकबाल साहब एक इंडिपेंडेंट आदमी है, नैब को मेरे साथ उन्होंने ठीक सलूक नहीं किया हो तो इसके बावजूद भी कहने वाली बात सच्ची मैं कहूंगा, कौमी इदारा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसके साथ क्या सलूक हुआ है। लेकिन ये बात आप जहन में रखिए कि एक थर्ड पार्टी नहीं बल्कि नवाज शरीफ और दूसरी तरफ खुर्शीद साहब बैठे हुए थे, दोनों ने खुद बैठ के जस्टिस जावेद इकबाल साहब को तैनात किया चेयरमैन। अभी तो हमारे दौर में जब तैनाती आएगी 2-2.5 साल बाद तो फिर देखा जाएगा। अपनी जब बारी थी तो अपनी पार्टी के एक सिटिंग सेनेटर के जरिए से ये एहतसाब करवाना चाहते थे। दो, तीसरा इसका पहलू इससे भी इंपॉर्टेंट है, ये सारा जो वो कहते हैं ना या इलाही ये माजरा क्या है, शोर शराबा है, इसका सिर्फ एक एम है, जो एनआरओ पहले मांगते थे अब ब्लैकमेलिंग के जरिए वो इमरान खान से एनआरओ छीनना चाहते हैं। अब वो एनआरओ छीनने सर, इसके भी ये भी बड़ा इसके भी एक बहस शराबा करते हैं, उसके लिए ऐलान करते हैं सर, इसके भी बड़ी डिबेट हो रही है कि क्या ये अथॉरिटी ये पावर इमरान खान साहब बहसियत वजीर आजम पाकिस्तान रखते हैं कि किसी को एनआरओ दे दें, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि एनआरओ तो जहां से होता रहा है, जो हमारी हिस्ट्री है वो कम से कम वजीर आजम हाउस से तो नहीं होता रहा है। देखिए दो तरीके हैं इसको समझने के आपके सवाल को, पहला वो जो आपने कहा, दूसरा मैं कह देता हूं, और दूसरा तरीका ये है कि अगर कोई एनआरओ नहीं मांग रहा तो फिर इल्जाम क्यों लगाते हो जो कुछ दे नहीं सकता? इदारे का चेयरमैन उसने नहीं लगाया, इदारा इंडिपेंडेंट है, खुद मुख्तार है, उसकी पार्टी के लोगों को उसके वज़रा को मुकदमात में इदारा तलब कर रहा है, खुद उसको भी तलब करता है, तो फिर इमरान खान का कसूर क्या है जिसकी वजह से तुम शोर करते हो कि इमरान खान हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहा है? पहला सवाल तो यही बनता है ना, या नहीं बनता? ये सवाल तो हम भी बिल्कुल उठाते हैं सर, और उठाते हैं कि इनके इनके दौर में तो केस बने ही नहीं है। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर ये कुछ दे नहीं सकते तो इनके ऊपर आपका एतराज क्या है? फिर दूसरा सवाल ये भी है। तीसरा जो सवाल है आम तरीन वो ये है कि इस वक्त आप मुझे ये बताइए कि क्या इस जितनी भी अपोजिशन की पार्टीज हैं उनके दरमियान किसी पब्लिक इशू के ऊपर कोई कंसेंसस है? क्या होना चाहिए उसके ऊपर कोई कंसेंसस है? पार्लियामेंट की किस तरह ओवरसाइट होनी चाहिए, जो सरकारी काम है सरकारी इदारे हैं उसके ऊपर कोई कंसेंसस है? सही है, उनके पास कोई तजवीज है कि जो एक घर में, आपको मिसाल देता हूं, आप खातून हैं, आपकी बेटी माशाल्लाह बड़ी क्यूट है, मैं उससे मिला हूं, और हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे भी, दूसरों के बच्चे भी, पाकिस्तान के बच्चे हैं, जो मुश्किलात हैं सबको मालूम है और उसमें कोई भी खुश नहीं है। वैसे बिजली जाए तो मैं खुश नहीं हूंगा, गैस महंगी हो तो मैं खुश नहीं हूंगा, इसलिए कि मैं भी बाप हूं, आप मां हैं,
हम सारे दवाइयों का बड़ा शोर उठा हुआ है सर, मेडिसिन का बड़ा शोर उठा हुआ है। अच्छा दवाइयों का शोर उठा हुआ है, दुरुस्त बात है कि उसको दुरुस्त होना चाहिए, उसके ऊपर नोटिस भी लिए जा रहे हैं, लेकिन जो दवाई महंगी होनी है, मैंने तो खुद इस बात को सफर किया है, इसलिए कि बेशुमार खानदान में बीमारियां होती रहती हैं, कुछ दवाइयां मिलती नहीं है, कुछ इतनी महंगी है कि आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। आवाम के दुख का, और हम भी आम आदमी हैं, हम भी आप जैसे हैं, आप हमारे जैसे हैं, इसलिए हम इस दुख को समझते हैं। लेकिन इसके ऊपर कभी कोई बात हुई? बात क्या होती है, हम मार्च करने लगे हैं, बात क्या होती है हम बंद करने लगे हैं, ये सारा जमहूरिया क्या में कोई सर, खैर अभी तो इस पे भी कंसेंसस नहीं है कि मार्च करने लगे हैं, अभी तो इस पे भी कंसेंसस नहीं है कि मार्च करने लगे हैं, अभी तो सोचो बचा रहे कि हुकूमत चलने देनी है या हुकूमत गिरानी है। सर मुझे इजाजत दीजिएगा मुख्तसर साहब ब्रेक लेने का, ब्रेक के बाद वापस आऊंगी तो दो चीजों पर बात हो रही है, कंसेंसस नहीं है, कंसेंसस किन चीजों पर होना है, यकीनन वो अवामी इशू पे होना है, अवामी इशू ले देके एक महंगाई रह जाता है, दूसरा पाकिस्तान की जो इस तरह मईशत का हाल है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ डॉक्टर बाबर अवान साहब अभी फरमा रहे थे, उन्होंने खुद कहा कि नैब ने उनके साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया, वो क्या हुआ, उनको क्या शिकायत है, और ओवरऑल जिस तरफ नैब का कानून है, क्या उनको लगता है कि किसी तरमीम की जरूरत है? ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी नजर प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुश आमदी। डॉक्टर बाबर अवान साहब, जरा नैप का मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि इस वक्त अभी हमने जो हालिया एपिसोड देखी हमजा शहबाज के घर के बाहर सैटरडे को, और उससे पहले एक दिन कबल भी, कि नैप के अफसरान वहां पे पहुंचते हैं गिरफ्तारी के लिए और मन्नत तरले उनके करते रहते हैं कि जी आप बाहर आ जाए, जी आप अपनी गिरफ्तारी दे दें, वो मैं पंजाब नहीं आऊंगी वाले के मुताबिक वो मैं बाहर नहीं आऊंगी हमजा शहबाज साहब करते रहे। तो सर ये जो चीजें हमें नजर आ रही हैं और ये जो इदारे अब मुतनाजा बनते जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि इनमें कानून में तरमीम की जरूरत है? अपोजिशन और हुकूमत मिल बैठे, सर जोड़े, तजावीज हुकूमत लेकर आए, कोई बिल असेंबली में लेकर आए? मैं एक पिछली बात आपको बता देता हूं, एक से ज्यादा मरतबा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में, इससे पिछली जो गवर्नमेंट थी जिसमें मैं मिनिस्टर था पीपीपी की, उसमें मैंने बराए रास्त नवाज शरीफ साहब को कहा ये तुहाड़े सारे बंदे नस जाएंगे, तुसी फिर फड़े जाओगे, दो कवानीन को आप पार्लियामेंट में ले आए। और वो कौन कौन से कानून थे? एक तो इन्हें अदालत का कानून था, इसलिए कि वो ऑर्डिनेंस है, पार्लियामेंट में कभी उस पर बहस नहीं हुई। दूसरा एहतसाब का कानून है जिसको नैब ऑर्डिनेंस कहते हैं, उस पर पार्लियामेंट में कभी बहस नहीं हुई, इसलिए बहस करें। उस वक्त ये कहते थे कि किसी कीमत पर ऐसा नहीं होने देंगे, आप एहतसाब से भाग रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, और वो सियासत शुरू कर देते थे, इस पे पॉइंट स्कोरिंग करते थे। आज जब उनकी अपनी बारी आई है तो वो कहते हैं कि एहतसाब के इदारे को हाथ लगा जाए। सर वो रिग्रेट भी करते हैं, उससे पहले मैं रिग्रेट भी करते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए? कुछ मैं जाती तौर पे इसका इस वक्त टाइमिंग्स आर नॉट गुड, और मैं इस वक्त पे जब एक तरफ पुलिस हाईली पोलिटिसाइज्ड है, दूसरी तरफ एफआईए की कारकर्दगी इतनी है कि कुछ कामों में, और उसकी लिमिटेशन भी है साथ, कुछ कामों में वो दखल दे सकती है, कुछ में नहीं दे सकती, तो जो एक वॉच डॉग का एक इदारा रह जाता है, बाकी जिसके पास कुछ एक्सपीरियंस भी है और उसकी कुछ कारकर्दगी भी है, कुछ उस पर एतराजात भी हैं, उसको खत्म करने के लिए या उसके पर काटने के लिए मैं इस बात का जाती तौर पर हामी नहीं हूं। एक दूसरा यह है कि वो जो शेर है ना जी, वो तो साबित हो गया ना नादिया, एक दफा तो आपने साबित किया था कि वो बड़े खानदानी रईस हैं, जब आप उनके वो बर्फखाने पे गई जिसके ऊपर मियां शरीफ साहब रहते थे, बर्फखाने से लेके वो तहखाना जिसमें हमजा शहबाज छुपा था, दोनों जगह एक बात साबित होती है कि ये पैसा बचाने के लिए, दमड़ी बचाने के लिए चमड़ी उतरवा सकते हैं, लेकिन ये किसी कीमत पे दमड़ी वापस नहीं करेंगे। कौन सी दमड़ी? जो पाकिस्तान के गरीब आदमी की दमड़ी इन्होंने ली। आप वो वीडियो भी चलाइए आज के शो में, उसकी क्लिप जरा जरूर दिखा दीजिए लोगों को, कहां से इन्होंने शुरू किया, एक फैक्ट्री में से कितनी फैक्ट्रियां बनती हैं, एक फैक्ट्री में से किस तरह से एम्पायर बनती है, एक फैक्ट्री में से किस तरह से बैरून मुल्क असासे बनते हैं, एक फैक्ट्री में से बर्रे आजमों के अंदर पैसे किस तरह से भेजे जाते हैं। और ये जो मुकदमा है, इस मुकदमे की जो तफसीलात कामरान खान ने भी अपने शो में बयान की है, और वो और लोगों ने भी, एंकर्स ने भी बयान किए हैं शो में, आप भी वो देख चुकी हैं, मैंने भी देखा होगा कि जो तफसील आ रही है अखबारात में, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मेगा मनी लॉन्ड्रिंग का ये मुकदमा है। डॉलर गर्ल जो थी वो तो कुछ लाख लेके जाने का उसका इल्जाम था। इसके तीन हिस्से हैं। एक तो ये है कि इसमें चार कंपनियां ऐसी हैं, दो
गालिबन मनी एक्सचेंज वाले हैं और दो कंपनीज हैं जो फाइनेंस का काम करती हैं, जिन्होंने पैसे भेजे, ये कंपनियां उसी तरह जैसे ऑफशोर कंपनियां होती हैं, जिन्होंने पैसे भेजे नवाज शरीफ के भाई और उसके घर वालों के लिए और ये जो तहखाने का शेर है अहमदा शहबाज इसके लिए, और वो पैसे इस तरह से आते हैं कि मिसाल के तौर पे बेगम के अकाउंट में पैसे आए और वो पैसे फौरन शहबाज शरीफ के अकाउंट में चले गए, एक मुलाजिम के अकाउंट में पैसे आए और वो फौरन किसी और के अकाउंट में पैसे चले गए। एक ये, दूसरा ये है कि इसमें ये जो चार कंपनियां जिनकी मैं बात कर रहा हूं ये वो हैं जो कॉमन है, जो ओमनी ग्रुप को भी पैसे डालती रही हैं, वहां पे भी मनी लॉन्ड्रिंग में इनका नाम आया है, एक पहलू इसका। इसका दूसरा पहलू ये है कि अगर छुपाने के लिए कुछ नहीं है, वैसे तो ये एक बारी फेर शेर आया, आया शेर आया छुपा छुपा और तहखाने में घुसा घुसा, भाई गिरफ्तारियां इससे पहले किसी की गिरफ्तारी के लिए लोग नहीं गए, कोई डर के भाग जाते हैं, कोई मुल्क छोड़ जाता है, कोई खानदान को भगा देता है, बच्चों को आने नहीं देता, कोई लोग मुकाबला करते हैं, लोग सामना करते हैं, ये अपना मुल्क है, अपने इदारे हैं, ये कोई हमलावर नहीं है हमारे ऊपर किसी के साथ अच्छा करें या ना करें, लेकिन इन इदारों को कायम रहना है, इसलिए कि कोई मुल्क आप पड़ोस में ममालिक है, मैं नाम नहीं लेता, इस्लामी ममालिक है, यहां से शुरू करें आप मोगादिशो तक चले जाएं, मुल्क तब कमजोर होते हैं जब उनके इदारे कमजोर हों, और मुल्क टूटते वो हैं जिनके इदारे टूटे, इसलिए इदारों को हमें बचाना है। और सर, हुकूमती हल्कों बात की जो मैं कहना चाहता हूं वो जी, ये है जी जी आप बात हुकूमती हल्कों की जानिब से एक तो बड़ा वाजे बार बार कहा गया कि ना डील होगी ना डील होगी, लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि प्ली बार्गेन का कहा है कि दिस इज द ओनली ऑप्शन जिसपे आप अपना अपने आप को जेल से बाहर रख सकते हैं, आप रकम दीजिए, तो सुना इस पे कोई बातचीत चल रही है या काबिले गौर है हम कह सकते हैं सर, ऐसा कुछ है और आप ये ऑफर कर, आप भी कहते हैं कि प्ली बार्गेन के जरिए नवाज शरीफ साहब को बाहर रह सकते हैं और बाहर चले जाना चाहिए प्ली बार्गेन का ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए? देखिए, एक लैंड डेवलपर और एक इस्लामाबाद के अंदर जो मल्टी स्टोरी हाई राइज बिल्डिंग है उसके फैसले के बाद ये जो पैसे वापस करने वाली बात है ना, जिसको हम ये कहते हैं वॉलंटरी रिटर्न, कि वो लूटा हुआ माल है वो वापस करें, अगर लूटा हुआ माल नवाज शरीफ वापस करते हैं, अगर लूटा हुआ माल शहबाज शरीफ वापस करते हैं, अगर लूटा हुआ माल शहबाज शरीफ साहब की बेगम वापस करती हैं, उनका बेटा हमजा जो तहखाने का शेर है वो वापस करता है, तो मुझे तो कोई एतराज नहीं होगा। मैं ऐसी, अगर वो उनके ये पैसे लूटे हुए कौम को वापस करें तो उनकी सजा में अगर कोई नरमी होती है कानून के मुताबिक, वॉलंटरी रिटर्न का अलहदा कानून है और प्ली बार्गेन जो आप कह रही हैं वो उसका अलहदा कानून है, इनके खिलाफ दो स्टेजेस भी होती हैं, रेफरेंस फाइल होने से पहले वॉलंटरी रिटर्न है, रेफरेंस फाइल हो जाए जब तो फिर प्ली बार्गेन है, तो दोनों स्टेजेस के ऊपर इनके मुकदमात मौजूद हैं, ये च्वाइस उनके लिए अवेलेबल है, लेकिन हुकूमत इसमें कोई दखल नहीं देगी, जो इदारा एहतसाब का है, जो अदालत एहतसाब की है, जिसके पास चालान पेंडिंग है रेफरेंस की सूरत में या जिसके नीचे इन्वेस्टिगेशन या प्रोब चल रही है, ये उसका काम होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और मुख्तसर सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से आप साथ ही जरा आपसे जानूंगी कि आप क्यों नैप, आप ठीक है आप कह रहे हैं कि दिस इज द नॉट द राइट टाइमिंग कि अभी नैप के कानून में तब्दीली की जाए, लेकिन आप नैप से नाराज भी हैं जिसकी आपने शिकायत भी की कि उन्होंने आपके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, वापस आते हैं हमारे साथ। जी नाज़रीन, प्रोग्राम एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर बाबर रवान साहब, आपने भी प्रोग्राम के पहले से मैं कहा था कि नैब ने आपके साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया, क्या शिकायत है सर आपको नैब से? देखिए, मैं आप कोई शिकायत नहीं करता, मैंने पहले भी शिकायत नहीं की, मैंने मिसाल दी थी कि अगर अच्छा सलूक ना करें तो इसके बावजूद भी एक कौमी इदारा है उसको उसके पर काटने का मैं हामी नहीं हूं। मेरा केस ट्रायल में चल रहा है और मैं हर डेट पे जाता हूं, कल फिर केस लगा हुआ है, मैं मुकदमे का सामना कर रहा हूं, और पाकिस्तान में जो लोग ये कहते हैं कि हम इस अदालत को नहीं मानते, जो लोग ये कहते हैं कि ये चार लोगों ने मुझे क्यों निकाला, जो लोग ये कहते हैं कि हमारे खिलाफ ये कार्रवाई खिलाई मखलूक कर रही है, जो लोग ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर किसी पे भी हमें एतबार नहीं है, वो बेसिकली क्या कह रहे हैं कौम के लिए, ये सोचने वाली बात है, इसलिए उनको ये सजा मिली है, कौम ने वोट उनको नहीं दिए, पंजाब से उनकी गवर्नमेंट के इतने लंबा अरसा बीबी के साथ मिलकर मैं भी लगा रहा, लेकिन इनकी गवर्नमेंट कभी हटी नहीं थी, अब गई। और इसके बाद जो असल इशू है वो ये है कि इदारे पाकिस्तान में चलने, इदारे किस तरह से चलेंगे, मैं तीन इदारों की आपके सामने बात कर देता हूं।
जितना अरसा और जब जब नवाज शरीफ आए उन्होंने दो टीमें गुड कॉप और बैड कॉप, वो गुड कॉप था शहबाज शरीफ जिसका काम था जाके गेट नंबर 8 वो शेख रहीद कहते हैं मैंने तो नहीं देखा हुआ उस पर जाके वो पांव पकड़ते थे लोगों के और नवाज शरीफ बाहर खड़े होके बड़के मारते थे। जब भी ये आए इन्होंने फौज के साथ लड़ाई की, जब भी ये आए इन्होंने अदलिया के ऊपर हमला किया, जुबानी हमला हो या सुप्रीम कोर्ट के गेट प्लान के, चीफ जस्टिस सजाद साहब फौत हो गए, सजाद शाह साहब उनके जाके चैंबर पे नहीं उनकी अदालत पे हमला इन्होंने किया, उसकी फुटेजेस कौम के पास मौजूद हैं। और इन्होंने कभी कोई फैसला सिवाय उस फैसले के जो इनके हक में आ जाए कोई फैसला कभी नहीं इन्होंने तस्लीम किया। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी सियासत मावराए आईन है, मावराए कानून है, और कहीं कहीं जाके ये जब डॉन लीग का लम्हा आता है तो मावराए रियासत भी हो जाती है। जो पाकिस्तान है उसको बड़े लंबे अरसे बाद, मैं आपको 3 मिसालें देता हूं, ये जो देखने वाले हैं मैं हमारे जो पीटीआई के मैं उनको कहता हूं कि ये सारा ये जो मैं चीजें कहने लगा हूं इसको निकाल के कौम को वो दिखाएं, आप भी दिखाएं, मैं TV1 से भी कहता हूं और खुद भी आप नेट पे सारे तलाश कर सकते हैं। पहला इंडिया का सबसे बड़ा जो अखबार है हिंदू, उसके अंदर इमरान खान के बारे में जो लिखा गया, ये मैं 24 घंटे की बात कर रहा हूं, वो नेट से जरूर तलाश कीजिएगा, किस तरह से हिंदुस्तान के अंदर वाइब है कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा आदमी बरसर इक्तदार आया जिसके आने के बाद पाकिस्तान को इस्तेकाम के रास्ते पे चल निकला है पाकिस्तान। अच्छा, दूसरा है गल्फ न्यूज का आर्टिकल जिसका उन्वान है इमरान फैक्टर, और तीसरा है DW डॉशे वैली जो टेलीविजन है जर्मनी का, उसने क्या कहा, सारी दुनिया में ग्लोबली एक पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो रहा है, एक बात। दूसरा ये कि पाकिस्तान में जितना अरसा ये रहे मोदी रॉ के चीफ समेत इनके घर में जाते रहे, इनकी जाती शादियों में और फंक्शनों में आए, और हमारा ISI का चीफ बाहर था और रॉ का चीफ अंदर इनके साथ गुफ्तगू कर रहा था। मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, वाकयात की बात मैं कर रहा हूं। अब क्या हुआ है, अब ये इमरान खान वो आदमी है जिसने पाकिस्तान के न सिर्फ पासपोर्ट को और बैन अलावी शनाख्त को इज्जत दी है, बल्कि उसने कहा कि याद रखना अगर तुम हमला करोगे तो हम सोचेंगे नहीं, हम जवाब देंगे। आपने देखा जब उन्होंने हमला किया तो हमने जवाब दिया। ये जो असल इशू है वो ये है कि अगर पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से ये जो नेगोशिएशन हमारा चल रहा है इस वक्त जो IMF के साथ, वर्ल्ड बैंक की टीमें भी वहां भी बैठी हुई, यहां भी आ रही हैं, तो हम एक ऐसी 10 साल की स्प्री गुजरी है कर्जों की जिसके अंदर कर्जे एक मौज मेले की सूरत में आते थे और मौज मेले की शक्ल में पता नहीं कहां जाते थे। हमने आके सबसे पहले वजीर आजम ने अपने खर्चे कम किए, वजीर आजम हाउस छोड़ा, वजीरों के खर्चे कम हुए, 8 महीने में किसी के ऊपर माली बदउनवानी का इल्जाम नहीं आया। इसलिए हम इदारा जाती तब्दीली, आज सुबह मैं एक मीटिंग में बैठा हुआ था जिस मीटिंग के अंदर जो ब्रोक्रेसी है उसके अंदर और पाकिस्तान के अंदर जो सरकारी मुलाजमत या ब्रोक्रेसी है या सर्विस ऑफ पाकिस्तान है उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रही है। इनमें ये 10 दिन में नहीं हो सकती, थोड़ा टाइम लगेगा। उम्मीद इसलिए नहीं मरनी चाहिए कि जिस इमरान को कौम जानती है वो अगर दुनिया का पहला कैंसर का मुफ्त अस्पताल बना के दे सकता है और उसके वालिद दुनिया की पहली प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म बना के पाकिस्तान को अपना हिस्सा दे सकते हैं तो इंशाल्लाह हम सारे मिलकर इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम इन क्राइसिस से जल्द निकल जाएंगे। सर एक और मामला है जो कि बड़ा सीरियस है, वो फैटअप वाला मामला है, जिन साहब का आप प्रोग्राम के शुरू के हिस्से में मैंने तो बात नहीं की थी, आप खुद जिक्र कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि हमने तो फैटअप की ग्रे लिस्ट नहीं, हमने तो व्हाइट लिस्ट में पाकिस्तान को डाला था और ग्रे लिस्ट में जबकि गया है तो उसकी वजह यह थी कि डॉन लीक्स हुआ है, तो डॉन लीक्स अगर ना होता तो पाकिस्तान फैटअप में दोबारा ग्रे लिस्ट में नहीं होता। जो काम हम करना चाह रहे थे हमें करने नहीं दिया गया, अगर करने दिया जाता और डॉन लीक्स ना होता तो पाकिस्तान फैटअप में ग्रे लिस्ट में नहीं होता। सर इसमें कितनी हकीकत है, तो वो काम जो पहले हो रहा था वो उनको नहीं करने दिया गया, ये वजूहत बनी फैटअप में पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में होने की? मैडम नादिया अल्लाह का शुक्र अदा करें कि वो काम जो ये करना चाह रहे थे वो नहीं हो सका। वो काम क्या था, वो काम एक दफा नहीं सर लगमिटर साहब को 2 दफा, एक दफा यहां पे और फिर जहाज भेज के उनको मुल्तान बुला के एयरपोर्ट के ऊपर उनके साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करके वो कोई काम करना चाह रहे थे। मोदी से जब मुलाकात हुई नवाज शरीफ की वो कान में बात कर रहे थे, वो कोई काम करना चाह रहे थे। जब आया मामला डॉन लीक्स का तो किसी और ने नहीं कहा, चौधरी निसार जो उनके इंटीरियर मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि बड़ी जबरदस्त ज्यादती हुई है और फिर उस गवर्नमेंट ने खुद अपना मिनिस्टर हटा दिया, उससे रिजाइन लिया और उस गवर्नमेंट ने फिर खुद
और क्या किया, उसने खुद जीआईटी बनाई जिसमें सारे इदारे बैठे, तो ये और किसने उनको रोका था उस काम से, सवाय इसके कि वो काम जो खुफिया था वो नहीं हो सका। और जो जहां तक फैटिफ का ताल्लुक है, इनके दौर में ग्रे लिस्ट थी, ये वाकयात की बात है। वो जो भी कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो उस शख्स को जिसको अदालत ने मफरूर करार दिया हुआ, मैं उस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता सिवाय एक तबसरे के, हिम्मत करो, पाकिस्तान आओ, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन उस पर एतबार करो, पाकिस्तान में सेनेट के मेंबर हो, लोगों ने एक हफ्ते में वहां हल्फ ले लिया था, तुमने अभी तक हल्फ नहीं लिया, भागे हुए हो, वापस आओ, अपने आप को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो सपीना था उसकी रोशनी में सरेंडर करो, अपने आप को एहतसाब अदालत में आके सरेंडर करो, बाहर बैठ के बड़के मारते हो। सर वो कहते हैं कि मेरा मामला सियासी नहीं है, मैंने किसी और क्वार्टर्स में जंग, जरूरत का मुदारक कर, किसी और क्वार्टर्स में मेरी जंग है, मैंने ट्वीट वापस करा दी थी, ये उसका बैकलैश है, मेरा तो मामला ही और है, ये अदालतों से बहुत ऊपर की बात है। देखिए आए ना पाकिस्तान में, किसी के ऊपर मुंह के ऊपर उंगली तो कोई नहीं रख सकता जो बोलना चाहे, यहां आके बात करे ना, भागा हुआ एक आदमी, एक घोड़ा जिसमें कोई शर्म है ना हया है, उसके ऊपर क्यों हम तबसरा करें, क्यों आपका टाइम जाया करें, कौम का टाइम जाया करें, उसको तो खुद डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में, जो पाकिस्तान के निजाम के ऊपर इतबार नहीं करता और भाग के अंग्रेजों के वहां बूट पॉलिश करके गुजारा करने की कोशिश कर रहा है, उससे बेहतर है आओ अपने बाइज्जत यहां गिरफ्तारी दो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर बाबर रवान साहब आपके टाइम का, हमारे सवालों के जवाब देने का। नाज़रीन गुफ्तगू कर रहे थे खुसूसी तौर पे डॉक्टर बाबर रवान साहब से, और नैब के हवाले से बात हुई, लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों पर भी बात हुई, नैब के कानून पर भी बात हुई। वो कहते हैं कि तरमीम की जरूरत है लेकिन वक्त ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली उनका अपना केस भी चल रहा है और बड़े पुरुद है कि जल्दी उससे निकल भी जाएंगे। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्ज़ा को इजाजत, अल्लाह हाफिज़।